बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीसरी टाइप का क्वेश्चन हल करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस मालूम करना होता है। तो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ़ जी पी इज़, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हमें कुछ दिया होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें सीक्वेंस उन्होंने दे दिया है, उसके बाद 5, 1, 2 फॉर एग्जांपल, ये कोई भी दो टर्म का हमें जो एक दूसरे के साथ हो उनका दे सकते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है और एक इसके साथ ही हम दूसरा लिख लेते हैं। इफ़ जी पी इज़ 5, 1, 2, उसके बाद ये उसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड है जनाब उन्होंने हमें दिया है 2, 5, 6, ठीक है, और सो ऑन। इस तरह से उन्होंने हमें सीक्वेंस दे दिया। तो हमें कहा गया है कि हमने कंप्लीट द सीक्वेंस, ठीक है। इधर भी यही कहा गया है कि कंप्लीट द जीपी कह सकते हैं या सीक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि हमें सीक्वेंस कंप्लीट करना है जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है जो ये मिसिंग है, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो जो मिसिंग है ना वो हमने बेसिकली इसमें कैलकुलेट करनी होती है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कम्प्लीट द सीक्वेंस, या फिर कह सकते हैं कि राइट मिसिंग वैल्यू, ठीक है। इस तरह से इसको भी सेम इसी तरह लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म के बराबर होती है, वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, तो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद हमें कॉमन रेशो मालूम करनी है, आर कॉमन रेशो, तो ये हम जानते हैं कि ये बराबर होती है ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। तो ए एन फर्स्ट अगर हम टर्म ले रहे हैं तो ए एन प्लस 1 सेकेंड टर्म होगी, तो हम यही दो ले रहे हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया क्योंकि ये सेकेंड टर्म हो गई है, फर्स्ट टर्म 2, तो वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में इसमें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 5, 1, 2 आ जाएगी। और कॉमन रेशियो की अगर वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगी, मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 2, 5, 6 डिवाइडेड बाय 5, 1, 2 इज़ इक्वल टू 1/2 और 0.5। सो हेयर द वैल्यू ऑफ आर इज़ 0.5 एंड वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, 1, 2 एंड हेयर द वैल्यू ऑफ आर इज़ 2 एंड वैल्यू ऑफ ए इज आल्सो 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नो वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P3 टर्म 3। सो वी राइट जनरल फार्मूला TN इज इक्वल टू AR n-1। देन वी पुट वैल्यूज P3 इज इक्वल टू AR 3-1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड R we got 2 multiplied by 2 की पावर 3 minus 1, we obtain 2 multiplied by 2 की पावर 2 and at last 2 is equal to 4 and 4 multiplied by 2 is equal to 8, so T3 is 8. Next we are going to calculate value of T4, simply we put the values AR 4-1 is equal to AR 3. So we put the values, as we know that A is 2 and R is also 2 over 3, so we obtain 2, 3 is 8 multiplied by 2 is 16, so T4 is 16. So we calculate the value of T5, same procedure is here, AR 5-1 is equal to AR 4
is equal to 2 multiplied by 2 की पावर 4, एंड देन वी 2 की पावर 4 इज 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32, सो T5 इज 32. सो डैट इज़ द प्रोसीजर. वी कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज T6, T7 एंड T8 एंड T9. डैट इज़ द प्रोसीजर. देन वी राइट द सीक्वेंस. यू यूज द सेम फार्मूलाज एज आई कैलकुलेट थ्री वैल्यूज. आप भी इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी. उसके बाद हम सीक्वेंस लिखने लगे हैं. सीक्वेंस हमारे पास क्या बनेगा कि 2, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32 एंड 64 एंड सो ऑन 5, 1, 2. सो डैट इज़ क्वेश्चन हाउ टू फाइंड मिसिंग वैल्यूज. एंड हेयर इन दिस क्वेश्चन वी want to calculate the value of third term, so we write T3 is equal to A R square R3 minus 1. So we simply put the values of A and R, we obtain A is equal to 512 and the value of R is 0.5, and 3 minus 1 is equal to 2. So we simply solve on our calculator that question, and when 0.5 we square that 0.5 and multiply by it 512, we obtain 128. Then it is value of T3. Then we calculate T4, value of 24. We simply write AR 4 minus 1. So putting the values, we obtain 512 multiplied by 0.5 power 3. Then we got answer is equal to 64. Then we calculate T value of T5. We write AR 5 minus 1 and 512 multiply by R, which is 0.5 power 4. Then we obtain 32. So in the same way we can calculate the values of missing order, that is reverse of our dead sequence, and then at the end we can calculate the value of the last term, which will be 2. So we write our GP. By using this method we can calculate all the values. तो आप भी इसी method को इस्तेमाल करते हुए अपना geometric sequence जो कि incomplete हो, ठीक है, तो उसको आप complete कर सकते हैं यही method इस्तेमाल करके, यही formulas इस्तेमाल करके. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी. अब हम अपना सीक्वेंस लिखने लगे हैं 512, 256 एंड 128, 64, 32 एंड 16 एंड 8, 4 एंड 2. सो डैट इज़ अ सीक्वेंस एंड डैट इज़ अ वे हाउ टू कैलकुलेट मिसिंग वैल्यूज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. Hopefully you like today's video, and if you are new on my channel, please subscribe my channel. Thanks for watching. God bless you. Allah Hafiz.